हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूमन करी। आज हम बनाना सीखेंगे लच्छा मट्ठी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप के जितना मैदा, जिसमें हाफ टेबल स्पून के जितना मैंने अजवाइन ऐड किया और हाफ टेबल स्पून के जितना सॉल्ट ऐड किया, 4 से 5 चम्मच के जितना ऑयल जाएगा, रिफाइंड ऑयल। इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार हाथ से मिला दीजिए। फिर उसके बाद पानी की मदद से आपको एक टाइट डो लगाना है। कभी भी नमक पारे और मठरी का डो सॉफ्ट नहीं लगाते। हम मट्ठी बना रहे हैं तो इसलिए हम ये टाइट डो लगाएंगे, तो पानी जितना कम यूज़ करिए उतना बेहतर होगा। आप देख सकते हैं मैंने 1 गिलास पानी लिया था, जिसमें से 1/3 गिलास ऑफ वाटर ही यूज़ होगा, आधा ग्लास भी नहीं यूज़ होगा। तो 2 कप मैदे में इतना ही पानी यूज़ किया है मैंने इस रेसिपी में। डो लगाने के बाद आप इसको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर इसको वापस से हम नीट करेंगे, फिर हम इसको बेलना चालू करेंगे और अपनी मटरियाँ बनाएंगे। आटा ऑलमोस्ट लग चुका है, इसको हम कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं इतना ही पानी यूज़ हुआ था। आफ्टर 15 मिनट्स मैंने इसको वापस से नीट किया और इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। अब हम इसको बेलेंगे। एक सरफेस को आप क्लीन कर लीजिए और इस पे इसको आप बेल लीजिए। इस तरीके से बेलने के बाद आपको इसको थोड़ा सा ऊपर से तेल अप्लाई करना है, क्योंकि हम लच्छा मट्ठी बना रहे हैं। तो तेल अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा सूखा मैदा भी इस पे स्प्रिंकल करेंगे। फिर इसको हम कट करके रोल करेंगे, जिससे लेयर्स दिखेंगी। ये थोड़ा सा सूखा मैदा मैं डाल के इसको हाथ से अच्छे से मिला दे रही हूँ, मतलब फैला दे रही हूँ। चाकू की मदद से आपको इस साइज़ की स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। इस तरीके से रोल करके आप साइड में रख लीजिए। अब आपको पानी लेना है और कोनों पे ये जो खुल रहा है, आपको यहाँ पे पानी अप्लाई करके इसको आप इस तरीके से चिपका दीजिए, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुले नहीं। अब एक एक करके आप बेलिए इसको, फिर उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। हाथ से पहले थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, अगर कहीं से बाहर निकल रहा है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए और इसको इस तरीके से बेल के रख दीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं करना, बस इतना ही करना है आपको। तो ये मैंने सारे बेल लिए, अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करना है आपको करीबन 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे, ताकि अच्छे से ये पक जाए। आपको इन्हें गोल्डन होने तक पकाना है। आप देख सकते हैं लेयर्स दिखनी चालू हो रही हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बट बहुत अच्छी लगती है चाय के साथ। हमारी जो मट्ठी है बिल्कुल हो चुकी है, हम एक एक करके सारी निकाल लेंगे। तो ये हमारी मटरियां बिल्कुल भी रेडी हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक एक लेयर दिख रही है। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को आज की रेसिपी पसंद आई हो। इस तरीके की और भी रेसिपीज देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, क्यूमन करी का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक करना ना भूलें। मैं वहाँ पे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग फोटोज डेली बेसिस पे डालती रहती हूँ। मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।